प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको NCERT की हिंदी संस्करण की कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक से निर्देशांक ज्यामिति का एक प्रश्न समझा रहे हैं। ये प्रश्न प्रश्नावली 10.3 का चौथा प्रश्न है तथा पेज नंबर 243 पर है। क्लियर? तो देखिए, आज का प्रश्न है बिंदु 1.3 से रेखा 3x-4y=16 पर डाले गए लंबपात के निर्देशांक ज्ञात करो। क्लियर? तो देखिए, एक बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि लंबपात से क्या मतलब है। जैसा कि मान लीजिए एक सरल रेखा जा रही है ये, और एक सरल रेखा ये आई इस पर, इसके बीच का एक कोण 90 अंश है, तो ये कहलाएगा लंबपात। इस रेखा का इस रेखा पर ये लंबपात कहलाएगा। क्लियर? तो देखिए, आपको एक बात और बतलाते हैं। हमने आपको बताया भी होगा और आप जानकारी भी आपको होगी। यदि मान लीजिए इस रेखा का समीकरण है 2x+7y=13, तो इस रेखा के समानांतर जितनी भी रेखाएं होंगी, रेखाएं 2, 4, 10 नहीं होंगी, अरबों खरबों रेखाएं होंगी, उन सब का समीकरण में जो है ये वाला पद एक सा होगा। केवल ये वाला पद जो कांस्टेंट टर्म जो है वो परिवर्तित होता रहता है। क्लियर? और देखिए, यदि कोई सरल रेखा ये जा रही है और इस रेखा का समीकरण है 3x-5y=11, तो इस रेखा पर जितनी भी लंब रेखाएं होंगी ये मैंने 4 रेखाएं खींची, 4 नहीं होंगी, इधर भी होंगी, इसके बीच में भी होंगी, इसके बीच में भी होंगी, इसके बीच बहुत सारी रेखाएं होंगी, अरबों खरबों रेखाएं होंगी, तो इन सब रेखाओं का समीकरण जो होता है वो ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक्स और वाई के गुणांकों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह, इस रेखा का समीकरण है 3x-5y=11, तो इन सब रेखाओं के समीकरण के अंदर एक विशेषता होगी और वो समीकरण होगा 5x+3y=λ। मतलब यह है कि इनके तो गुणांक आपस में बदल देते हैं और एक्स या वाई किसी एक के गुणांक के चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। ये आपका मन है, आप जिसके चिन्ह चाहें उसके परिवर्तित करें, लेकिन प्रायः बाई के गुणांकों के चिन्ह को परिवर्तित करते हैं, इसलिए वही हमने कर दिया। और लैम्डा यहाँ पर जो है एक कांस्टेंट है, अचर संख्या है, जिसका मान हमें निकालना है। ये हर एक रेखा के लिए अलग अलग होगा, इस रेखा के लिए अलग होगा लैम्डा का मान, इसके लिए अलग होगा, 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 इसके लिए। तो कोई प्रश्न एक शर्त देगा, उस शर्त के अनुसार हम लैम्डा का मान निर्धारित करते हैं। क्लियर? तो देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि आपका ये दिया हुआ बिंदु हो गया, ये आपकी दी गई रेखा हो गई। तो जैसे मान लीजिए आपकी दी गई रेखा ये हो गई 3x-4y=16, और ये वाला बिंदु हो गया आपका -1.3, तो इससे इस पर जो लंब डाला आपने, पहले तो आप इस लंब का समीकरण मालूम करेंगे। तो इस लंब रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, पहले x और y के गुणांकों को आपस में परिवर्तित कर देंगे और y के गुणांक का चिन्ह बदल देंगे, तो इस लंब रेखा का समीकरण हो जाएगा 4x+3y=λ। अब लैम्डा का मान हमें ऐसा निर्धारित करना है कि ये लंब रेखा जो है -1.3 से जाने लगे, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो हमने लैम्डा माना है ये आवश्यक नहीं है यहाँ पर आप लैम्डा माने, यहाँ पर आप सी मान सकते हैं, डी मान सकते हैं, म्यू मान सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, कोई भी कॉन्स्टेंट मान लें, वो शर्त के अनुसार उसका मान निकल आएगा, मान लगा देंगे। तो देखिए, अब आपको हम प्रश्न हल कर रहे हैं। दिया गया बिंदु -1.3, दी गई रेखा
3x माइनस 4y बराबर 16। अब इस रेखा पर, दी गई रेखा पर लंब रेखाओं का या लंब रेखा का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण से मतलब यह है इस रेखा पर जितनी भी लंब रेखाएं होंगी उन सबका समीकरण होगा 4x प्लस 3y बराबर लैम्डा। ये इसके गुणांक परिवर्तित कर दिए और यहाँ का चिन्ह बदल दिया। अब अलग अलग रेखाओं के लिए लैम्डा का मान अलग अलग होगा, लेकिन हमारे लिए लैम्डा का मान इस प्रकार से निर्धारित करना है जिससे कि वो हमारी रेखा जो है वो माइनस 1.3 से जाने लगे। तो हमने लिख दिया बिंदु माइनस 1.3 से डाले गए लंब के लिए समीकरण नंबर 2 से। इस समीकरण में x के स्थान पर माइनस 1 लगा देंगे और y के स्थान पर 3 लगा देंगे तो लैम्डा का हमारा मान निकल आएगा इस रेखा के लिए। तो मान लगाया हमने 4 × -1 + 3 × 3 बराबर लैम्डा, माइनस 4 ये आ गए, 9 ये आ गए, सॉल्व करके लैम्डा बराबर 5 आ गया। लैम्डा का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में लैम्डा के स्थान पर हम 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y बराबर 5। तो ये लंब रेखा का समीकरण आ गया और ये आपकी दी गई रेखा है। अब इस रेखा, इस बिंदु से इस पर लंब डाला था उस लंब के पाथ के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1 और 3 को हल करने पर। समीकरणों को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, मैंने ये प्रश्न विलोपन विधि से हल किया है। विलोपन विधि से हल करने के लिए मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कर दिया और समीकरण नंबर 3 को 4 से गुणा कर दिया तो हमें ये प्राप्त हो गए। इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे तो ये 12y माइनस के और 12y प्लस के कैंसिल हो जाएंगे और 9x और 16x 25x ये आ जाएंगे, बराबर ये आ जाएगा और 48 68 आ जाएंगे। x का मान निकालने के लिए x बराबर हो जाएगा 68/25। इस प्रकार से हमारे लिए लंब के पाथ का निर्देशांक का भुज प्राप्त हो गया। अब y का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया हमने, x का ये मान जो है वो समीकरण नंबर 2 में रख दिया, तीन में, समीकरण नंबर 3 में रख दिया, 2 में नहीं 3 में, समीकरण नंबर 3 में रख दिया। आपका मन है इसको आप समीकरण नंबर 1 में भी लिख सकते हैं। तो हमने पहले समीकरण उतार लिया, समीकरण नंबर 3 जो हमारा था 4x प्लस 3y बराबर 5 और x के स्थान पर हमने लगा दिया 68/5। 68 के और 4 की गुणा हो जाएगी, हमें प्राप्त हो जाएगा 272/25 प्लस 3y बराबर 5। इसको RHS से RHS में ले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 3y बराबर 5 माइनस 272/25 और इसका LCM लेके जब सॉल्व करेंगे तो हमें 3y बराबर प्राप्त हो जाएगा 125 माइनस 272/25 और यहाँ पर 272 माइनस के हैं, 125 प्लस के हैं, इसलिए सॉल्व करके आएगा 3y बराबर माइनस 147/25। अब y का मान निकालने को ये तीन जो हैं RHS में हर में चले जाएंगे और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएंगे आपके 49 और इस प्रकार से आपको y का मान प्राप्त हो गया माइनस 49/25। तो आप अंत में आंसर लिख देंगे, लंब पाद के निर्देशांक 68/25 -49/25 है उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हो जाता है। हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार किसी नए प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।